छत्ता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते होए। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मिलती है एक पुरानी ऑब्स्क्योर्ड सी जगह जिसे लोग धुबेला बोलते हैं। वैसे तो धुबेला में ढेरों अनजाने किले और वाटर बॉडीज हैं जो बिल्कुल साफ और पीने लायक हैं, और इन तालाबों को बनवाया है महान बुंदेला राजाओं ने। धुबेला का नाम जुड़ा है बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल से। वैसे तो महाराजा छत्रसाल के अलायंसेस छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के संग थे, लेकिन बुंदेलखंड के गौरव महाराजा छत्रसाल को बहुत कम ही लोग जानते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि उनकी कहानियां पढ़ी नहीं, सुनी जाती है। महाराजा छत्रसाल की बेटी मस्तानी बाई, जो न सिर्फ पेशवा बाजीराव की दूसरी पत्नी थी बल्कि एक महान योद्धा भी थी। मस्तानी बाई के नाम से प्रसिद्ध मस्तानी महल धुबेला में ही बनी है। कहा जाता है मस्तानी बाई इसी महल में रहा करती थी। महाराजा छत्रसाल की कहानी बुंदेलखंड के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है, और ऐसा होना लाजमी भी है। कहा जाता है महाराजा छत्रसाल के पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब छत्रसाल केवल 5 साल के थे, और उसी वक्त उनके कैपिटल सिटी पन्ना को मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने अधीन कर लिया। छत्रसाल और उनकी माँ अपने ननिहाल चले गए। 12 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने युद्ध कौशल सीखना शुरू कर दिया था। महज 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4 मुगल सैनिकों को अकेले हरा दिया। शाहजहां की गद्दी जब औरंगजेब के पास आई, उस वक्त महज 22 वर्ष के छत्रसाल ने पन्ना के निवासियों का भरोसा जीतकर बस 5 घुड़सवारों और 25 तलवारबाजों की मदद से औरंगजेब पर आक्रमण कर अपने राज्य को फिर से जीत लिया। यहाँ से छत्रसाल के विजय की शुरुआत हुई। अपने 84 वर्ष के जीवन में छत्रसाल ने 50 से ज्यादा युद्ध लड़े और जीते भी। इत जमना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन की रही नका हो होंस। मतलब छत्रसाल के पराक्रम की कहानियां देश भर में कुछ यूं फैली थी कि कोई भी राजा महाराजा छत्रसाल से लड़ना नहीं चाहता था। सन 1731 में महाराजा छत्रसाल चल बसे, लेकिन उनकी कहानियां आज भी लोगों को मुंह जुबानी याद है। इसी कारण पेशवा बाजीराव ने धुबेला में उनकी याद में एक स्मारक यानी सेनोटैफ बनवाया, जिसका नाम पड़ा छत्रसाल की छतरी। इतना ही नहीं, उनके स्मारक से थोड़ी ही दूर पर उनके घोड़े भले भाई का भी स्मारक बना है, और उनके पराक्रम का अभिवादन करते हुए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1955 में छत्रसाल की बनाई हुई एक फोर्ट्रेस को छत्रसाल म्यूजियम के नाम से पुनः स्थापित किया। वैसे तो ये आज भी वैसे ही खड़े हैं चुपचाप अपने कहानियों को सुनाने के लिए, लेकिन आज इन किलों की कहानियों की वो इम्पोर्टेंस नहीं है जो इन्हें मिलनी चाहिए। कहते हैं राजी सब रायत रहे, ताजी रहे सिपाही, छत्रसाल ता राज को बार न बाको जाही।